हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर वन चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि एप्लीकेशन और लेटर कैसे लिखते हैं, अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने आपको एप्लीकेशन यानी शिकायत पत्र लिखने का एक शानदार तरीका बताया कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से लिखकर पूरे फुल मार्क्स ले सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम आपका है, तैयारी आपको करनी है और आपके तैयारी में हम लेकर आए हैं क्योंकि दिया रहता है एप्लीकेशन या लेटर। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मल लेटर में एप्लीकेशन सिखाया, अब मेरी बारी आ गई आपको इनफॉर्मल लेटर बताने की कि कैसे इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर के भाग को जानना वैसे ही जरूरी है जैसे आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के अर्थ जानने जरूरी हैं, क्योंकि आप उनके अर्थ जानते हो तो क्वेश्चन आंसर कंप्रिहेंशन सॉल्व करते हो और सेंट्रल आइडिया बनाते हो। वैसे ही आपको पार्ट्स ऑफ लेटर अगर जान गए तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहां सामने अपने देख रहे हो बोर्ड पे, यही है। तो कहां पे क्या होता है ये चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा, इसके 6 भाग होते हैं। अब आप सोचोगे लेटर तो आपने बहुत लिखा है, आज तक लिखा है, कई बार लिखा है और आदत तो आपकी एप्लीकेशन की है और हम जानते हैं एग्जाम में आप एप्लीकेशन तो लिखोगे क्योंकि वो आपके लिए कम वर्ड का होता है, लेकिन इसमें थोड़ा वर्ड ज्यादा लिखने तो थिंकिंग थोड़ी ज्यादा करनी होती है, लेकिन आपको आएगा तो कहीं पर भी आप एक फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल लेटर कहीं पर यूज करना रहे, सगे संबंधियों को यूज करना रहे, रिश्तेदारों को यूज करना रहे, तो आप लिख के उन्हें भेज दो, लगे कि बच्चा पढ़ा है, किसी ने पढ़ाया है। नाम लेना आप अपने पीयूष सर का कि पीयूष सर ने सिखाया था, तो ये आपको करना होगा। तो सबसे पहला उसमें क्या है कि हेडिंग। अब हेडिंग में क्या करना होता है, हमें यह बताना होता है कि वो एड्रेस, आप कहां के हो, आप अपना परमानेंट एड्रेस जो भी आपकी लोकेलिटी है वो एड्रेस, और आओ उसके ठीक नीचे अपनी वो तारीख जिस दिन आपने वो पत्र लिखा है, जिस दिन आपने वो पत्र लिखा है वो आपकी हेडिंग होगी। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं, सेकेंड क्या होता है, सल्यूटेशन, उसमें क्या करना यानी अभिवादन, जिसको हम आर ग्रीटिंग्स भी कह सकते हैं, अभिवादन करना। तो अभिवादन करने के तरीके होते हैं, अगर हम अपने मम्मी पापा को लिख रहे हैं तो माई डियर फादर, माई डियर मदर, माई डियर अंकल, ऐसे यूज करेंगे, माई डियरेस्ट फादर, माई डियर, तो इन तरीकों से आप लिखोगे। अगर मित्र है तो डियर फ्रेंड, माई डियरेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या है, ये पहला चीज आप जो देख रहे हो यही हेडिंग है आपकी। ये शुरुआत आपको पेज के राइट साइड में जाना होगा और राइट साइड में आपको लिखना होगा क्या, हेडिंग। हेडिंग में क्या चीज आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पढ़ तो लिए हो लेकिन बताओ कि हेडिंग में क्या चीजें लिखनी होती हैं। मैं आपसे अभी देखूंगा कमेंट सबका कि क्या आपने कमेंट किया हुआ है। अब दूसरा है सल्यूटेशन में देखते हैं, जिसको हम ग्रीटिंग्स भी कहते हैं, अभिवादन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने लिखा है कि डियर फ्रेंड, यही इसका सल्यूटेशन है यानी ग्रीटिंग्स है यही आपका। अब इसमें जब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, आप कहोगे सर दूसरा समझ गए, ये बॉडी क्या होती है, कहीं शरीर तो नहीं होता है, एप्लीकेशन में शरीर कहां से आएगी, तो आपको वो बॉडी नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा कहां पर, ये राइटिंग की बॉडी है का मेन, कहां से हम शुरुआत जो करते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शुरुआत कहां से होगी हमारे लेटर की, ये है बॉडी आपकी। तो इसमें करना क्या है, आप देखो शुरुआत कैसे करनी होगी, जो संदेश इसे कहते हैं हिंदी में, तो इसे शुरुआत आप कर सकते हो, आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू, आपसे सुनकर खुशी हुई, आई एम शॉक्ड टू लर्न, मैं ये सुनकर सदमे में आ गया, या आई एम ग्लैड टू इनफॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है, मैं खुश हूं, ये यानी शुरुआत आपको जिसको जिस टाइप का लिखना हो इनमें से एक चूज कर लोगे। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मैंने शुरुआत आपका जो बोर्ड पे किससे किया है, ये भी कमेंट में होना चाहिए, इन तीनों में से, आई एम ग्लैड टू लर्न फ्रॉम यू, आई एम शॉक्ड टू लर्न और आई एम ग्लैड टू इनफॉर्म यू, कहां से मैंने यहां स्टार्ट किया, देख तो रहे हो लेकिन कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे कि क्या आप कह रहे हो मेरे प्यारे टैलेंटेड बच्चों, आपको ये दिखाना होगा। तो
अब उसके बाद अगर हम फोर्थ नंबर की बात कर लें, फोर्थ नंबर पे जो आप देख रहे हो सब्सक्रिप्शन है, यानी ये अंत कहां पे होगा। अब लेटर तो आप संदेश लिखना शुरू कर दिए, शुरुआत करते करते अपने भावों को पूरे लिख दिए, अंत कहां से करोगे। कहा जाता है ना, क्या अगर आगाज अच्छा हुआ है तो अंत भी अच्छा होगा। तो अंत आपको अच्छा करके नंबर अब अंत में ही मिलेगा, पहले नंबर नहीं मिलेगा, पूरा लिखने के बाद ही मिलेगा। ये मत सोचना कि बिना पढ़े आपको एग्जामिनर नंबर देगा, कभी नहीं देगा। तो अब आपको तो इसमें क्या होता है, योर अफेक्शनेट सन डॉटर, आप किसको लिख रहे हो, यानी अगर मम्मी पापा को लिख रहे हो तो वहां पे क्या है, आप उनके पुत्र हो या पुत्री हो, तो आपके स्नेह परे क्या पुत्र या पुत्री, तो स्नेह में ही पुत्र या पुत्री। अगर लेकिन फ्रेंड को लिख रहे हो तो वहां योर सिंसियरली। एक बात याद रखना, बहुत बच्चों की एक बड़ी मिस्टेक कहां पे होती है, वो मिस्टेक है आपकी कि आप योर्स के बाद एक अपोस्ट्रॉफी लगा देते हो यहां पे, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये कदापि नहीं करना है। आप भले यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड वाले भी ये गलती कर बैठते हैं, क्या कि योर्स के बाद यहां अपोस्ट्रॉफी ले लेते हैं। ये आप कदापि गलती नहीं करनी बच्चों, सीधे योर सिंसियरली यूज करना है। अगर फ्रेंड आप लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, तो योर फ्रेंड फेथफुली लिखोगे, कभी नहीं लिखोगे वहां पर आपका कॉमा होगा ऊपर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो अब आपका उसके बाद जो पांचवा पॉइंट होगा वो होगा सिग्नेचर, हस्ताक्षर अपने करोगे, वहां आपका हस्ताक्षर होगा, यानी आपका नाम होगा, नाम वो आपका नाम होगा योर सिंसियरली के नीचे। लेकिन एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, मैं आपको वहां पर क्या करता हूं, प्रोविजन करता हूं कि नहीं करना है तो नहीं लिखना है, नहीं लिखोगे आप अपना नाम, कह देना कि हम फलाने हैं, एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, मत कहना कि अमित कुमार वर्मा है, कह देना एक्स माने अमित, तो वाई माने कुमार, जेड माने वर्मा, मान लेना। अगर मैथ के स्टूडेंट हो चाहे ना हो, मान लेना एक्स वाई जेड हो आप, ठीक है। अब नंबर छह पे आते हैं हम, नंबर छह पे आपका होगा एड्रेस। अब कहोगे सर मैंने तो एड्रेस लिखा था सर जी, अब कहां से एड्रेस हो गया। आपको पता भी है, आपने तो अपना लेटर ना खत्म किया है, लेटर को ऐसे भेज दोगे चला जाएगा, नहीं ना, नहीं जाएगा। कब जाएगा, जब उसको मोड़ोगे, लिफाफे में भरोगे, गोद से चिपकाओगे, टिकट लगाओगे, तो टिकट से भी तो नहीं जाएगा, उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर आपको क्या करना है, गोद नहीं लगाना है, पता लिखना है कहां भेज रहे हो, कहां भेज रहे हो, किस व्यक्ति को भेज रहे हो, ये पता होना चाहिए, तब न जाके पत्र वहां जाएगा। ये पता उस व्यक्ति को जिसको भेज रहे हो उसका उस लिफाफे पता होगा। स्टार्टिंग में जो एड्रेस है ये आपका होगा, लिफाफे पे जो होगा वो जिसको भेज रहे उसका पता होगा, तो लेटर जाएगा। इस तरीके से आप करते हो, ये तरीका आपको अब तक लेटर लिखना बताया गया होगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ लेटर किसी ने समझाया नहीं होगा, मैं समझा रहा हूं। और मेरे बच्चे आप अपने को भूल जाना कि यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो, मान लेना कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट बन गए हो, उनसे भी आगे जाना है आपको, और इंग्लिश में टॉप तो बन के दिखाना ही है, और बाकी सब्जेक्ट में तो टॉप पे चल ही रहे हो। तो ये आपका तरीका यदि अपना लिए तो अब जाके अब आपको ये लेटर जो मैंने लिखा है आप चुटकियों में तुरंत हल करोगे, देखो कैसे। तो इतना पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो ये रहा अब आपका लेटर। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन लिखा क्या है लेटर में कि राइट अ लेटर टू फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इनवाइटिंग हिम उसे आमंत्रित करते हुए टू अटेंड शामिल होने के लिए योर ब्रदर्स मैरिज पार्टी, अपने भाई के शादी में, अपने भाई के शादी में शामिल होने के लिए अपने मित्र को क्या करिए, पत्र लिखिए। तो ध्यान दीजिए मैं आप लोग को इनवाइट कर रहा हूं, अब देखिएगा शादी किसकी शादी में, अपने भाई के ही शादी में, अब उनसे अगर पार्टी मांगनी होगी तो मांग जरूर लीजिएगा, जो भी लिख रहा हूं एकदम सही रहेगा। देखिए अब क्या स्ट्रक्चर, अब जब
आप आते हैं तो देखिए अब क्या है कि अब ये जो आप देख रहे हो अभी जो आपके बुक में ये है इधर लिखा जा रहा है, लेकिन अब जो न्यू फॉर्मेट आ गया है हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं वो ध्यान में रहें कि अब ये फॉर्मेट एकदम पूरा इधर लाके एकदम सीधा हो चुका है, स्ट्रेट फॉर्मेट हो चुका है आपका सीधा फॉर्मेट। ये नहीं कि पैराग्राफ चेंज करने में हट के लिखते हैं, ये फॉर्मेट अब आपका खत्म हो चुका है। अब आपको ये ध्यान देना है, लेकिन मैं आपके जो बुक का दिया हुआ है ये मैं फॉर्मेट आपको वो समझा रहा हूं जो आपके बुक का है, क्योंकि अगर मैं यहां पे अगर लिख दूं तो कहोगे आप बुक देखोगे सर ने इधर बता दिया था ये तो यहां था, तो आप अभी ये लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, एकदम सही। अब देखो मैंने क्या बोला था, पहले हेडिंग मैंने क्या लिखा है, तो मैं भी किसका है हमारे भाई का, अब मैं अपने भाई का ले रहा हूं किसका, अब कहोगे अपने शुभम सर को याद कर लीजिए, शुभम सर के पार्टी में मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको अपनी तरफ से, पार्टी उनसे मांग लीजिए जल्द से जल्द आप लोग। तो 9 लिखा, ये आई मत समझ लेना 9 है, ठीक है, 9 श्रीनगर कॉलोनी, ठीक है, पहड़िया वाराणसी यूपी, पत्र का है डेट अब यहां पे 21 जनवरी 2021। तो अब आपका ये हो गया क्या हेडिंग। दूसरे नंबर पे आता है सैल्यूटेशन में, तो आप वो क्या दोगे, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड समझ लो कि आपके भाई को अपने लिख रहे हो, तो अब मैं अपने मित्र को इनवाइट कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं कि डियर फ्रेंड। अब उसके बाद हम आते हैं बॉडी पे, यानी अब लिखने की शुरुआत कहां से होगी। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है बहुत बच्चों ने बहुत सटीक पकड़ा कि मैं यहां क्या लिखा हूं, कमेंट किया हुआ है, और अभी भी लोगों के पास मौका है कमेंट ज्यादा करें, देखें क्या कमेंट करते हैं, लिखने के तरीके में सब लोग पार्टी मांगने में मत रह जाना। देखो तो आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करते हुए मैं खुश हूं, आपको सूचित करते हुए मैं खुश हूं, ये शुरुआत आप एकदम रट जाना। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज, विवाह ऑफ माय एल्डर ब्रदर शुभम, मेरे बड़े भाई शुभम की शादी हैज बीन सेटल्ड, हैड बीन अरेंज्ड, तय हो चुकी है। क्या है मेरे बड़े भाई शुभम की शादी तय हो चुकी है। द मैरिज पार्टी, जो ये शादी का है विल लिव फॉर लखनऊ, लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी ये बारात, क्या है प्रस्थान करेगी ऑन 14th February। देखो कितने अच्छे दिन उनकी शादी पड़ी है, देख लो एकदम आना है 14th February एट 2 PM। 14 फरवरी को 2 बजे से बारात जो है लखनऊ के लिए रवाना होगी, तो आप लोग तैयार रहेगा जो लखनऊ के वहीं पर वेट कर लीजिएगा। तो अब आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करोगे, मैं इस बात का आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, आप आओगे। तो आपने क्या कहने की कोशिश की कि आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर शुभम हैज बीन सेटल्ड, द मैरिज पार्टी विल लिव फॉर लखनऊ ऑन 14th February एट 2 PM। आई होप You will not disappoint me. मैं आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, अर्थात जरूर आओगे। Your presence in marriage is a most. आपकी उपस्थिति कहां पे, विवाह में, शादी में आपकी उपस्थिति मस्ट है, यानी एकदम आना जरूरी है, कहते ना एकदम आना जरूरी है, वही लिखे हो योर प्रेजेंस इन द मैरिज इज अ मस्ट। Your arrival is anxiously awaited. मैं आपके लिए प्रतीक्षारत रहूंगा, मैं आपके लिए प्रतीक्षारत रहूंगा, आइएगा जरूर, एकदम पार्टी मेरी तरफ से है शुभम सर के लिए, पार्टी में मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको। देखिए ये स्ट्रक्चर आप पूरा एकदम लिखना होगा, आपको पूरे फुल मार्क्स यदि लेटर में लेने हैं, एप्लीकेशन बताया है। अब आप सोचो मैं लिख कैसे रहा हूं, जो मैं भी तो हिंदी अर्थ ले रहा हूं, कैसे पत्र आपके घरों पे कार्ड जाते होंगे, पत्र लिखा गया होगा, मैं वही ट्रांसलेट कर रहा हूं, बस शुरुआत कैसे करते और अंत कैसे करते यही तो सीखना है, बाकी तो ट्रांसलेशन की वीडियो पड़ी हुई है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक ओपन करिए, वो वीडियो देखिए, हर टेंस का बनाइए एक अच्छा सा अच्छा ट्रांसलेशन जो हिंदी में आए, हिंदी मीडियम के बच्चे आप हो तो उसको एकदम फॉलो करना सीखो। तो अब वहां पे लास्ट में अब क्या है, अब आपको सब्सक्रिप्शन देना है, तो सब्सक्रिप्शन यानी अंत करना है आपको लेटर को, तो मित्र को लिख रहे हो तो योर्स सिंसियरली, अगर यही मम्मी पापा अंकल को लिखते तो योर अफेक्शनेट सन डॉटर नेफ्यू। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, अब वहां पे आपको सिग्नेचर करना है उसके ठीक नीचे। तो सिग्नेचर में नाम नहीं लिखना है आपको, एक्स वाई जेड ए बी सी एकदम कोई जान ना पाए, अगर लिख दोगे तो कहीं एग्जाम में, ऐसा क्यों, क्योंकि अपना पर्सनल संदेश यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, अपना रोल नंबर नाम नहीं लिखना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप एक दोषी बनेंगे और आपका वो जो मार्क्स होगा पूरा कट कर दिया जाएगा, हो सके तो आपका पूरे इंग्लिश का मार्क्स ही आपका कट कर दिया जाए, कॉपी चेक ही ना, क्योंकि वो आप पकड़े जाओगे कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो मेरे बच्चों आप नाम रोल नंबर नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, सुन लो। अब उसके बाद आपको एड्रेस, अब आपको करना कि पत्र निकले लिफाफे में डालो, मैं भी लिफाफा भरने वाला हूं, बहुत जल्द तैयारी में हूं, भर के सबके पास जाने वाला है, वेट करिएगा 14 फरवरी आपके लिए इंतजार में है, शुभम सर की शादी की में आने के लिए तैयार हो जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है आप समझ गए हो कि अगर हमें पार्ट्स ऑफ लेटर को जानना कितना जरूरी है, ये 6 पार्ट हमें लेटर में देखने होते हैं, 6 पार्ट को बस याद रखें कि कहां कब कौन कैसे प्रयोग होगा, अगर इस तरीके से आपने लिखा तो लेटर बेस्ट होगा, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अगर एक दिन में 1000 लाइक मरवा दिए तो ये मान लीजिए कि मैं अब आपको और बेस्ट से बेस्ट तरीका सिखाने वाला हूं इंग्लिश में। तो एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, यदि आपने शुभम क्लासेज के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वीडियो के नीचे रेड आइकन में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड लक डियर।